ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला बिलासपुर के हरलोक क्षेत्र में 3.5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए बलात्कार की घटना के विरोध में ग्रामीणों ने निजी स्कूल के बाहर नारेबाजी की। अब तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग हाथ तक नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर इस कुकृत की चारों ओर निंदा हो रही है। जिला बिलासपुर के हरलोक क्षेत्र में 3.5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई बलात्कार की घटना के विरोध में ग्रामीणों ने निजी स्कूल के बाहर नारेबाजी की। आपको बता दें कि अब तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। वहीं दूसरी ओर इस कुकृत्य की चारों ओर निंदा हो रही है। एबीवीपी व युवा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र निष्पक्षता से सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो यहाँ पर बड़ा आंदोलन होगा, जिसके प्रति शासन प्रशासन उत्तरदायी होगा। जो ये घटना हमारे क्षेत्र के अंदर घटित हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इस घटना का कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ और मैं प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ और प्रशासन से भी साथ में मांग करता हूँ कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो मैं अपने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करूंगा और जो भी हो मुमकिन हो पाएगा वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। और आने वाले समय में अगर इसके ऊपर कोई इस घटना के ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे भी चुनावों का समय है जो आज ऐसे प्रदेश सरकार बातें तो बड़ी बड़ी करती है कि हम कानून व्यवस्था कोई कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चला रहे हैं। कहाँ है उनकी कानून व्यवस्था? अभी हाल ही में शिमला में केस हुआ, सोलन में केस हुआ, अब परसों इस छोटी सी मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना घटित हुई है। तो मैं तो प्रदेश सरकार के बिल्कुल खिलाफ हूं और उनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से हिमाचल प्रदेश में अपराध का जो ग्राफ है बहुत बड़ा है। हर दिन नई से नई अपराध की घटना हिमाचल प्रदेश में सामने आई। अभी कुछ दिनों पहले शिमला से ऐसी रेपी घटना का जो है वो सामने आई थी, जिससे हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ है। और अभी हमारे जिला बिलासपुर के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में एक छोटी बच्ची के साथ रेप की घटना जो सामने आई है, जिसे फिर से हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ है। युवा कांग्रेस प्रदेश सरकार से मांग करती है कि जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ा जाए ताकि उन्हें सजा मिले। अगर जल्दी से जल्दी दोषी नहीं पकड़े गए तो प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी, जिला स्तर पे ब्लॉक स्तर पे प्रदेश सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। गौरतलब है कि इस कुकृत्य की घटना शनिवार को जिला बिलासपुर के हरलोक क्षेत्र के एक निजी स्कूल में घटित हुई है। बलात्कार का शिकार हुई पीड़ित मासूम बच्ची को स्कूल बस ने घर के समीप उतारा था, जहां पर बच्ची को उसकी मां घर ले गई थी। स्कूल बस में उस दौरान स्कूल के अन्य बच्चे चपरासी व चालक थे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि बच्ची के साथ दुराचार की घटना स्कूल में या फिर बस में घटित हुई। इस सारे प्रकरण में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही उजागर होना स्वाभाविक है।